गीता कॉलोनी वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पूजा छाबड़ा मजबूत स्थिति में हैं। यहां कांग्रेस कैंडिडेट फाइट के बाहर है। पूजा छाबड़ा की सीधी टक्कर भाजपा से होगी। पूजा छाबड़ा से हमारी मेट्रो एडिटर नेहा शर्मा ने मुलाकात की। आइए देखते हैं कि भेंटवार्ता कुछ मुख्य अंश। गीता कॉलोनी वार्ड 24 ई पूजा छाबड़ा की उम्मीदवार हूँ। आपका चुनावी एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है, हम काम करने के लिए आए हैं, पब्लिक की सेवा करने के लिए आए हैं, वो सेवा करेंगे। जो पार्कों की सफाई है, नालियों के कूड़े गंदगी वगैरह है, इनको वर्कर्स को जो काम करते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती है टाइम पे, फिर वो हड़ताल करते हैं, बैठ जाते हैं, वो हम टाइम पे करेंगे। हर चीज़ उनकी जो है पूरी करेंगे। लाइटें हैं पार्कों में, वो आज तक जलती हुई हमने देखी नहीं है। पार्कों में बैठ के लोग जुए खेल रहे होते हैं, बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है, टाइम पास करने जाते हैं, आगे बसें खड़ी होती हैं, मतलब जो भी इतना MCD का जो बुरा हाल है, हम उसको सुधारने के लिए आए हैं और सुधारेंगे उसको। कौन से ऐसे कार्य जो पिछले पार्षद ने नहीं किए और आप करना चाहते हैं? कोई भी कार्य आप है जो उन्होंने किया है, हमें तो नहीं लगता। आप बाहर जाके देखिए, नालियों के अंदर क्या, हर घर के आगे कूड़े के ढेर है। एक दिन जमादार आता है, कूड़ा निकालता है और वो 4-4 दिन कूड़ा ही वहीं रहता है। फिर कहते हैं जी डेंगू फैल जाता है, जी मलेरिया आता है। अगर गंदगी ही इतनी होगी तो वो डेंगू और मलेरिया तो फैलेगा ही फैलेगा। दोष देते हैं जी केजरीवाल क्या करेंगे इसमें, वो गलियों से कूड़ा तो उठाने आएंगे नहीं। काम तो हम लोगों ने करना है ना, पहले तो हम काम करते नहीं हैं। क्या काम किया, वो गलियों में चक्कर तक तो लगाने आए नहीं कि कुछ क्या परेशानी है क्या नहीं है। कौन सा पार्षद है ऐसे जो गलियों में आए हैं? और दूसरा, वो खुद अगर वो काम करना भी चाहते हैं, हमारी सरकार काम करना चाहती है, तो BJP की जो सरकार है MCD में, वो करने ही नहीं देती, करने भी नहीं देती ना, वो काम ही नहीं करने देती है। केजरीवाल जी ने जो हाउस टैक्स माफ़ करने की बात की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? होगा वो करेंगे, हवा में नहीं है। उन्होंने बिजली और पानी के बिल माफ़ किए हैं, बता रहे हैं किसके माफ़ नहीं हुए। 16,000 पता नहीं कितने घरों में जो पानी फ्री आ रहा है, तो माफ़ नहीं किया गया पानी। पानी माफ़ है, अब बिजली के बिल आधे आ रहे हैं लोगों के, 2 साल से बिजली के बिल बढ़े नहीं है। और अगर हमारी सरकार आती है तो हम श्योर श्योरिटी के साथ कहते हैं कि हम हाउस टैक्स बिल्कुल माफ़ करेंगे। जैसे कि आप महिला हैं, तो महिलाओं के लिए आपने कुछ विशेष सोचा हो? महिलाएं बिल्कुल करेंगे, हम महिलाओं के लिए भी करेंगे। यही तो है जी, पार्कों में देखो ना, वो बेचारे बच्चों को स्कूल स्टैंड पे छोड़ने के लिए जाती हैं, लोग आते हैं चैन खींच के ले जाते हैं, मोबाइल हाथों से ले जाते हैं, कम से कम कैमरे वगैरह लगे हुए हो या कोई ऐसे गार्ड रखे जाएंगे, कुछ ना कुछ उसका ऐसा जो है निकाला जाएगा कि उनको ऐसी आवारा लोगों से, जो आवारा गर्दी करते हैं उनसे बचाया जा सके। महिलाओं की उनकी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करेंगे।